अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 फिजिक्स चैप्टर 7 साउंड पार्ट 1 पेज 140। वी हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस दैट साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन अ आई ईयर्स। इट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन। साउंड का डेफिनेशन क्या है? ये इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है हियरिंग का सेंसेशन इन अ ईयर्स। ये तभी प्रोड्यूस होगा जब वाइब्रेशन होगा। दैट्स व्हाई इट इज़ रिटन हियर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट साउंड इज प्रोड्यूस। साउंड इज प्रोड्यूस जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा साउंड प्रोड्यूस होगा। जब ऑब्जेक्ट स्टॉप करेगा वाइब्रेशन तो साउंड भी स्टॉप हो जाएगा। तो वी कैन से दैट कि सिर्फ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ही प्रोड्यूस करता है साउंड। तो एक स्ट्रिंग को लेंगे, उसको स्ट्रेच करेंगे बिटवीन टू नेल्स, ओके, एंड देयर विल बी अ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू नेल्स एज शोन इन फिगर 7.1। यहाँ पे देखिएगा, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग प्रोड्यूसेस साउंड। एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ही प्रोड्यूस करेगा साउंड। अब प्लग करेंगे स्ट्रिंग को इन द मिडल। सी, दिस स्ट्रिंग हैज बीन प्लक्ड हियर। तो क्या होगा? स्ट्रिंग स्टार्ट करेगा वाइब्रेशन और साउंड हम लोग सुन पाएंगे। कुछ देर के बाद क्या होगा? जब स्ट्रिंग का वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएगा तो साउंड भी ख़त्म हो जाएगा। इससे यही पता चलता है कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करता है साउंड। So this is a small experiment that you can do at home and you can try that all vibrating object produces sound. Sound travel karega from one point to another, kiski madad se? With the help of a vibration of particles. To sound ko medium ki zarurat hoti hai apne propagation ke liye. To ye medium kuch bhi ho sakta hai, solid, liquid or gas. Sound travel karta hai fastest through solid, लिटिल स्लोअर थ्रू लिक्विड एंड स्लोएस्ट थ्रू गैसेस। तो एक एग्जाम्पल लेके इसको समझेंगे। स्पीड ऑफ साउंड आयरन में कितना है मेरा? 5950 मीटर पर सेकेंड। सी वाटर में कितना है साउंड? 1531 मीटर पर सेकेंड। और एयर में कितना है? 340 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे साफ देखिए कि जो स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में सबसे ज़्यादा है और लीस्ट है मेरा एयर में। नेक्स्ट टॉपिक सी, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट प्रोड्यूसेस साउंड। अगेन एंड अगेन ये बात बोला जा रहा है कि जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा इट प्रोड्यूसेस साउंड। तो साउंड ट्रैवल करता है मीडियम में विद द हेल्प ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। तो दीज वाइब्रेशन वाइल ट्रैवलिंग क्रिएट अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। जब ये वाइब्रेशन ट्रैवल करता है तो एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस वो प्रोड्यूस करेगा। ये जो डिस्टर्बेंस है ये किसकी शक्ल में रहता है? वेव्स की शक्ल में। इट इज़ लाइक अ वेव। हम लोग इसको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एक ट्यूनिंग फॉक देंगे जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। इसको हम लोग वाइब्रेट कराएंगे। जो पार्टिकल्स है मीडियम का वो डिस्टर्ब्ड होगा और ये पार्टिकल एग्जर्ट करेगा फोर्स ऑन देयर नेबरिंग पार्टिकल्स। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा एयर में टिल द साउंड ऑफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक रीचेज अ एयर। यानी कि सिमिलरली क्या है, एक ट्यूनिंग फॉक को लेंगे, उसको हम लोग वाइब्रेट कराएंगे। ये एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगा और ये दीज पार्टिकल्स दिस विल प्रोड्यूस अ फोर्स, एग्जर्ट अ फोर्स। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक मेरा साउंड रीच नहीं हो जाता है कान तक। तो दस द पार्टिकल्स ऑफ द एयर डू नॉट ट्रैवल टू रीच द एयर। यानी कि खुद एयर का जो पार्टिकल्स है वो रीच नहीं करता है कान तक। ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है बाय द सोर्स ऑफ साउंड। सोर्स ऑफ साउंड क्या है? यह मेरा ट्यूनिंग फॉक, उसको वाइब्रेट कराएं तो ये है मेरा सोर्स ऑफ साउंड। तो ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है विद द हेल्प ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड जो ट्रैवल करेगा मीडियम के जरिए यानी कि एयर के जरिए, और वो कहाँ तक रीच करेगा? एयर तक। तो इसको समझना ज़रूरी है। पार्टिकल्स ऑफ एयर खुद रीच नहीं करता है हम लोग के कान तक। ये डिस्टर्बेंस जो है जो एयर में प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड। सोर्स ऑफ साउंड कुछ भी हो सकता है, ड्रम हो सकता है, ट्यूनिंग फॉक हो सकता है, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। वो ट्रैवल करेगा मीडियम की मदद से और वो हमारे कान तक पहुँचेगा। साउंड तभी प्रोपोगेट कर सकता है जब वाइब्रेशन होगा ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि मीडियम का होना ज़रूरी है साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए। मीडियम मतलब सॉलिड में साउंड प्रोड्यूस होगा, लिक्विड में साउंड प्रोड्यूस होगा, गैस में साउंड प्रोड्यूस होगा। जब प्रोंग ऑफ अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक मूव करेगा टुवर्ड्स राइट इट पुशेस द कंप्रेशन। इसमें दो कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पे कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन आ रहा है। तो ये फिगर थोड़ा पहले बता दें, फिगर 7.2 में देखिए, वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय अ ट्यूनिंग फॉक। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन हो रहा है
ये कंप्रेशन है, दिस इज़ रेयर फ्रैक्शन, दिस इज़ अगेन अ कंप्रेशन एंड दिस इज़ अगेन अ रेयर फ्रैक्शन. तो ये एक्चुअली में होता क्या है ये बताना पड़ेगा कि ये क्या है. कंप्रेशन समझने के लिए इसका छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख लीजिए फिर फिगर दिखाएंगे. तो जब भी ट्यूनिंग फॉक को वाइब्रेट करेंगे तो ये क्या करेगा, इट पुशेस एंड कंप्रेसेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट. तो देखिए ट्यूनिंग फॉक के सबसे करीब ये वाला पोर्शन है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा एक रीजियन क्रिएट हो रहा है. ओके, अ रीजियन हैज़ बीन क्रिएटेड जिसका डेंसिटी ज़्यादा है और प्रेशर ज़्यादा है, इसको हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं. तो यहाँ पे देखिए इसका डेंसिटी भी ज़्यादा है और इसका प्रेशर भी ज़्यादा है. दिस इज़ कंप्रेशन, दिस इज़ ऑल्सो कंप्रेशन विथ हाई डेंसिटी एंड हाई प्रेशर. तो ये इन दिस रीजन, इन द कंप्रेशन रीजन, एयर पार्टिकल्स क्लोजर होगा एज कम्पेयर टू द नॉर्मल एयर. तो ये कंप्रेशन मूव करेगा टूवर्ड्स राइट, अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉग. अब देखिए रेयर फैक्शन क्या है, जब ट्यूनिंग फॉग मूव टूवर्ड्स लेफ्ट, जो तो एयर इन फ्रंट ऑफ इट एक्सपैंड क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ लो डेंसिटी एंड लो प्रेशर. तो रेयर फैक्शन का क्या है, डेंसिटी भी लो है और प्रेशर भी लो है. ओके, तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे, दिस इज़ रेयर फैक्शन विथ लो डेंसिटी एंड लो प्रेशर, दिस इज़ ऑल्सो रेयर फैक्शन. तो ऑल्टरनेटिवली होगा, एक कंप्रेशन फिर रेयर फैक्शन फिर कंप्रेशन फिर रेयर फैक्शन फिर कंप्रेशन फिर रेयर फैक्शन एंड सो ऑन. तो फिगर 7.2 में यहाँ पे देखिए, फिगर 7.2 में ये मेरा ट्यूनिंग फॉग है, ये जो देख रहे हैं ना ये मेरा ट्यूनिंग फॉग है, ये वाला. वेन द प्रॉन्ग मूव्स टूवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट, अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन. सीरीज मतलब कंप्रेशन रेयर फैक्शन, कंप्रेशन रेयर फैक्शन, ये एक सीरीज ये यहाँ पे रहेगा. तो साउंड ट्रैवल करेगा कंप्रेशन और रेयर फैक्शन की शक्ल में इन द मीडियम. तो एक कंप्रेशन और एक रेयर फैक्शन मिल के क्या बनता है, एक वेव. यानी कि वन वेव में वन कंप्रेशन और वन रेयर फैक्शन रहेगा. तो द वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट टू एंड फ्रो और बैक एंड फ्रॉट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. यानी कि वो वेव जिसमें पार्टिकल्स मीडियम का वाइब्रेट करेगा टू एंड फ्रो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, इसी को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव करेंगे. तो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. तो प्लीज़ अंडरलाइन दिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. साउंड वेव्स मेरा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है.